स्टाइलिंग है। आज मैं आपको हैवी दुपट्टे में से शर्ट कटिंग करना सिखाऊंगी। इस दुपट्टे की साइड में ये देखिए फ्रेंड्स, इस दुपट्टे की साइड में जो है कुछ एम्ब्रॉयडरी है, तो आज मैं आपको इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दुपट्टे की ये लेंथ है और ये हमारा नीचे कटवर्क है। ये पल्लू भी हमारे साइड में दुपट्टे के कटवर्क है, ये देखिए, और ये साइड में कटवर्क है, ये देखिए। अब हम इसको फोर फोल्ड कर लेंगे। एक डबल फोल्ड हमने कर लिया है, ये देखिए, ये डबल फोल्ड हमने कर लिया है और इसको हम फोर फोल्ड में कर लेंगे ऐसे, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दुपट्टा है और ये दुपट्टे की हमारी लेंथ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जैसे हिप है, हिप का फोर पार्ट प्लस 2 इंच, हिप हमारे यहाँ 12 और प्लस 2 इंच 14 इंच करके हम 3 निशान लगाएंगे, जैसे कि हम हर एक सूट की कटिंग में लगाते हैं, ये देखिए। और इस तरह करके हम शर्ट के पीस निकाल लेंगे 2, देखिए इस तरह से। ये मैंने शर्ट का सीधा दुपट्टे का ना सीधा पार्ट रखा हुआ है, वैसे हम उल्टी ही शर्ट की कटिंग करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने ये दुपट्टे को सीधा रखा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हमने ये ऐसे निकाल लिया है, ये देखिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं शर्ट की। हमने ये लाइनिंग कटिंग कर ली है और इस लाइनिंग के हिसाब से ही हम शर्ट कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। ये देखिए, मैंने लाइनिंग के हिसाब से ये शर्ट कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये शर्ट कटिंग कर ली है और नीचे हमारे पैनल पे ये बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिए। अब हम आपको इसकी स्लीव्स कटिंग करना सिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये कुर्ती की साइड में से ये फैब्रिक बच गया है, ये देखिए। इसकी साइड में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है और ये नीचे की एम्ब्रॉयडरी, ये वाली एम्ब्रॉयडरी तो हम कट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसका थोड़ा सा स्पेस लेके हम इस तरह से इसको ऐसे कट कर देंगे, ताकि इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे नेक पे लगाएंगे, इस शर्ट के नेक पे लगाएंगे इस तरह से कुछ, ये देखिए फ्रेंड्स। ये हाथ से लगेगा, ये मशीन से नहीं लगेगा, ये देखिए। इस तरीके से हम इसको ऐसे गले पे डिज़ाइन के तौर पे लगाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। इसको तो हम नेक पे यूज़ करेंगे। अब इसको मैं आपको यूज़ करना बताती हूँ कि इस वर्क को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ओपन साइड है, हम इसको ओपन साइड को फोर फोल्ड में कर लेंगे, ये देखिए। ऐसे ही फोर फोल्ड में हम इसकी लाइनिंग का भी फैब्रिक रख लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे, ये देखिए। ये हमने मोढ़े वाली साइड सेंटर में रखना है, ये जो वर्क होगा हमारा, इसको हमने सेंटर में रखना है। उसको भी मैं बताऊंगी कि फिर उसको बाद इसको बंद कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने ये बाजू कटिंग कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कटवर्क है ये किस तरह से आएगा, ये देखिए। अब हमने ऐसे ये सीधी कर लेनी है बाजू, ये देखिए ऐसे। ये हमारा सेंटर में आ गया कटवर्क जो है, ये देखिए, ये सेंटर में आ गया कटवर्क। अब आपने इसके नीचे, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हम इसके नीचे पीस लगा के स्टिच कर देंगे इसके नीचे, ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये। अब हम मैं आपको लाइनिंग रख के दिखा रही हूँ, ये देखिए। हमने ऐसे पीस नीचे पीस रखना है इसको ऐसे, और ये ऐसे रखने के बाद ये कुछ देखो इतना सुंदर नज़र आएगा ये, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके ये हमारा ऐसे सेंटर में आ जाता है, और ये जब स्टिच होता है ना तो बाजू के सेंटर में आता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये पहना हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये पुराने दुपट्टे में से शर्ट कटिंग कर ली है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। थैंक यू गाइज़।